ਰਿਦਮ ਹਾਈ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰਾਹੁਲ ਐਂਡ ਯੂ ਵਾਚਿੰਗ ਦ ਰਿਦਮ ਹਾਈਜ਼ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਧਰਮਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੂਵੀ ਟ੍ਰੇਲਰ ਆਇਆ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਬੈਡ ਨਿਊਜ਼। ਸੇਮ ਮੂਵੀ ਤੇ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਪਿਕਚਰ ਦੀ ਸਟਾਰਿੰਗ ਹੈਗੀ ਐਮੀ ਵਿਰਕ, ਵਿੱਕੀ ਕੌਸ਼ਲ, ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਦਿਮਰੀ ਐਂਡ ਸੋ ਫੋਰਥ। ਆਈਏ ਦੇਖਤੇ ਹੈਂ, ਰਿਐਕਟ ਕਰਤੇ ਹੈਂ ਇਸ ਮੂਵੀ ਪੇ, ਦੇਖਤੇ ਹੈਂ ਕੈਸਾ ਲਗਤਾ ਹੈ ਟ੍ਰੇਲਰ। क्वांटम फिजिक्स थोड़ी ना है, सिंपल सा सवाल है। जोर लगा दिमाग पर और बता बाप कौन है। सही भी नहीं पता यार किसका है, बहुत कंफ्यूजन है। उन्हें मिस्ट्री सॉल्व करने वास्ते मैं शरलॉक नु बुलावा। पैटर्निटी टेस्ट। गाइस मुझे ऐसा लगता है कि इस मूवी का जो कॉन्सेप्ट है ना, बिल्कुल बिल्कुल गुड न्यूज मूवी से ही दिया हुआ है। मेरा परसेप्शन था ऐसा, बट मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे मैं ट्रेलर देख रहा हूँ, मेरा वो जो परसेप्शन है वो रियलिटी और कंफर्म्ड स्टेज में कन्वर्ट होता जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है, अभी कमेंट करके जरूर बताना कि कैसे आपको भी ऐसा लगता है कि क्या ये मूवी उसी का सीक्वल है या नहीं। एट द रेट अखिल चड्डा सबसे बड़ा ऐड कर लेना। अखिल चड्डा सबसे बड़ा। अखिल, I'm pregnant। कमाल हो गया। तुझे पेटर्निटी टेस्ट करवाना है। ले बच्चा मेरा ही है और किसका होना है? तुझे बड़ा कोई ऋषि मुनि खीर खिला गया। गाइस ये जो डायलॉग है ना, तेनू केड़ा कोई ऋषि मुनि खीर खिला गया, मतलब डबल मीनिंग तो है ही है, मतलब सुपर भी लगा है बंदा जो है ना, है ऑसम है। इन्हों का एक गाना है तौबा तौबा, देखना जरूर, करण औजला के लिरिक्स है ने, ते वो भी फीचर हुए ने वो गाने पे। ये ना थोड़ा ट्रीटमेंट की तरह हो रहा है, मैं ना थोड़ा टेस्ट क्रिकेट का फैन हूँ, आई लाइक चेतेश्वर पुजारा। मतलब तूने स्टार्टर वहां खाया, स्टार्टर वहां खाया और मेन कोर्स मेरे साथ किया। डॉक्टर बवेजा, प्रॉब्लम क्या है? इट्स अ वंस इन अ लाइफ टाइम फिनोमेना। दिस इज अ केस ऑफ हेट्रोपटर्नल सुपरफेकेंडेशन। एक ही साइकिल में दो अलग अलग एग्स फर्टिलाइज हुए हैं, इसीलिए आप दोनों ही बाप हैं। तो शुरू करें क्या तुम खिचड़ी? गुड न्यूज मूवी में ठीक है, दो महिलाएं थी, दोनों प्रेग्नेंट हुई थी, दो अलग अलग बंदों से हुई थी, लेकिन वहां पे डिस्कनेक्ट किया था, दोनों का जो स्पर्म था वो बेसिकली एक्सचेंज हो गया था डॉक्टर की गलती की वजह से। यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है, यहाँ पे डिफरेंटली है। यहाँ पे बेसिकली ये कह रहे हैं कि वो जो लड़की है ठीक है, सो उसको ये नहीं बताएगी ये बच्चे का बाप कौन है। अब ये क्लैश हो गया है हमारे अपने पाजी एमिविल और सुपर सुपर हैंडसम विकी कौशल के बीच में। मूवी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है मुझे ऐसा लगता है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आगे देखते हैं ट्रेलर, आगे क्या मस्ती दिखाते हैं। अब बात सिर्फ मेरी नहीं है ना, बच्चों की भी है, इसीलिए मैं जानना चाहती हूँ कि दोनों में से बेटर फादर कौन बनेगा। तो शक्ल देख के ही पता लग गया था कि तू ही है पति पत्नी वाला वो। अबे वो एक्स पति आ गया कबाब में हड्डी बन के, हड्डियाँ तो तेरी टूटेगी साले नाकाम कोशिश। फैसला तो अब भी होगा ऑन द स्पॉट। कौन है तू? व्हाट वाई? अब तू अंपायर है, देखते कौन ज्यादा पुशअप मारता है, काउंटिंग करो। मेरे महबूब मेरे सनम, क्या बॉलीवुड पंजाबी सभ्यता को ग्रास्प करने की कोशिश कर रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है इस मूवी से हाँ, और मैं 200% करेक्ट होऊंगा, क्योंकि आने वाली बहुत सारी ऐसी पिक्चरें होंगी जो एक्चुअली में पंजाबी ट्रेंड, पंजाबी ट्रेडिशन, पंजाबी कल्चर को बॉलीवुड मूवीज में बेशुमार दिखाया करेंगे। देखते हैं आगे ट्रेलर। आई एम वेरी एक्साइटेड। सुंदर लोगों को देख के ना बच्चे सुंदर पैदा होते हैं। बाप तो सुंदर है एक। यहाँ पे कितने अच्छे टाइगर की फोटो लगी हुई थी यार, कितने अच्छे टाइगर की फोटो लगी हुई थी। यहाँ तो मेरी लाश से गुजरना होगा। से बात करनी है मैन टू मैन। मुझे पता था तू आएगा। कॉम्प्रो करना है। ओ हेलो,
मैं कोई ऐदल मुश्किल वाला रणबीर कपूर नहीं हूँ जो हाथों में मेहंदी लगा के चन्ना मेरा करता रहूंगा। मैं भी ना कोई बरेली की बर्फी वाला राजकुमार राव नहीं हूँ जो टैलेंट दिखा के बाद में कृति आयुष्मान को सौंप दूँ। हाँ तो मैं भी कोई मनमर्जियां वाला विक्की कौशल नहीं हूँ। गाइस मेरे हिसाब से मूवी सुपर ऑसम होने वाली है, ठीक है। धर्मा प्रोडक्शन की जैसे सुपर हिट गई थी गुड न्यूज, ये भी वैसे ही होने वाली है। स्टे ट्यून्ड, आई थिंक 19 जुलाई को सिनेमास में आ रही है। आप भी जाइए, मैं भी जाऊंगा। देखते हैं पंजाबी सभ्यता को हम सारे कितना आगे लेके जा सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे ट्यून्ड, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय।